हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक और वीडियो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रिगार्डिंग मैंने पहले एक वीडियो डाल दी है। दूसरी वीडियो के अंदर हम लोग आज इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कि मतलब इसमें कितने चैप्टर हैं, टोटल 10 चैप्टर दिए हुए हैं। उनके अंदर आपके 1, 1, 2 टोटल आपके सेक्शन हैं। तो कौन सा चैप्टर जो आपका मेन पर्टिकुलर चैप्टर है वो किसके साथ डील करता है, क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या प्रोविजंस वहाँ पर दे रखे हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, और चैनल को शेयर जरूर करते रहें, वीडियो शेयर करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आपका होता है हमेशा जो अमूनन रहता ही है वो आपका किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है यहाँ पे, ये आपके प्रिलिमिनरी की बात करता है कि प्रिलिमिनरी के अंदर इस सेक्शन के अंदर जो आपके सेक्शन 1 एंड 2 ही दे रखे हैं सिर्फ। तो दो सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें होंगी, एक आपका बात करता है सिर्फ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन द सेंस कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, एक कमेंसमेंट की कब ये एक्ट बन के आया और कब से ये लागू हो रखा है, तो इसके रिगार्डिंग बात करता है। तीसरा बोलता है एक्सटेंट के अंदर कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होगा एक्ट, और लास्ट सबसे पहला जो आपका है शॉर्ट टाइटल, किसको क्या क्या बोला गया है। तो शॉर्ट टाइटल के अंदर वही चीज़ आपकी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलेंगे, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया रहता है हमेशा, कमेंसमेंट और जो आपकी डेट रहती है, दो एक एसेंट मिली थी 31 दिसंबर की बात करता है 2015, तो इस डेट को इसको एसेंट मिली थी प्रेजिडेंट की, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है। और उसके बाद जो आपकी हैं वो आपकी बात करता है कि किस दिन ये एक्ट आपका कमेंसमेंट में आ गया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 जनवरी से ये अप्लाई कर दिया था। 15th of January की बात करते हैं, 2016 से ये एक्ट आपका अप्लाई हो गया था पूरे होल ऑफ इंडिया के ऊपर। उस टाइम पे क्या था कि मतलब उस टाइम पर तो जे एंड के को एक्सक्लूड करा गया था, अब ये यहाँ पे क्या करता है कि जे एंड के को भी इंक्लूड कर दिया, उस पर भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता रखा है। तो सेकंड चैप्टर जो आपका सेक्शन है उसके अंदर, सेकंड सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। डेफिनेशन आपकी टोटल हैं 60, तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सारी दे रखी हैं 61 टोटल डेफिनेशंस। 61 में से जो पढ़ने की हैं वो आपकी 30 के अराउंड रहेगी, वो आपको मैं साथ साथ मार्क करवा दूंगा जब डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। तो उस टाइम पे जो सेकंड चैप्टर है वो आपका बात करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की केयर और प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कुछ जनरल आपके प्रिंसिपल दे रखे हैं, जिसके रिगार्डिंग सिर्फ एक सेक्शन है 3rd, इसके अंदर आपके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपन का आता है कि चैप्टर नंबर आपका 3 जो आपका डील करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपका क्या है कि जो बच्चे कन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात करते हैं, CCL, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे वॉयलेशन कर रखा हो लॉ के किसी प्रोविजन का, तो उनको चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोला गया, वो बच्चे आपके जुवेनाइल होंगे। और उनसे डील करने वाले जो आपके ये चैप्टर नंबर 3rd की बात करता है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 4 to 9 तक यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके चैप्टर रहेंगे यहाँ पे। अब 3rd जो चैप्टर है वो और 4th है, उनको दोनों को एक ही साथ पढ़ना है। रीज़न यहाँ पे कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ सेक्शन नंबर आपके 10 से लेके 26 तक उसके प्रोसीजर की रिगार्डिंग बात करता है। देखिए यहाँ पे ये रहा प्रोसीजर इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था वो भी उन्हीं के साथ डील करता है, और जो बच्चे यहाँ पे ऑफेंस करते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर होगा उसको वहाँ पे कैसे फॉलो करा जाएगा, वो भी आपके 10 to 26 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो जिसको किस तरीके से उसको एप्रीहेंड किया जाएगा, एप्रीहेंशन ही वर्ड यूज़ आपका करा हुआ है, ना कि उसको अरेस्ट करने के रिगार्डिंग बात करते हो, तो उसके रिगार्डिंग बात करती है। या फिर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिगार्डिंग जिस भी जगह पर रखा जाएगा तो उन पर्सनस का क्या क्या रोल रहेगा, बेल किस तरीके से दी जाएगी उनके रिगार्डिंग, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बोर्ड उनकी रिगार्डिंग इंक्वायरी करेगा कि किस तरीके का ऑफेंस उसने कर रखा है, प्रिलिमिनरी उसके रिगार्डिंग असेसमेंट ली जाएगी, हीनियस ऑफेंसेस अगर उसने करे हैं तो रिव्यू करा जाएगा, जो भी उनके इंक्वायरी आपकी पेंडिंग है उनके रिगार्डिंग, फिर ऑर्डर पास करे जाएंगे उन बच्चों के रिगार्डिंग जो कि इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिगार्डिंग नहीं मिलते हैं वो, या फिर ऐसे कोई बच्चे जो कि फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसके रिगार्डिंग ऑर्डर आएंगे, चिल्ड्रन कोर्ट वहाँ पे बना जाएगा तो उसके रिगार्डिंग उसकी क्या क्या पास होंगी, जिन जिन बच्चों ने 21 की एज को ऑब्टेन कर लिया है, मतलब चिल्ड्रन जो कि बच्चे अटेन द एज ऑफ 21 एंड येट टू बी कम्प्लीट द प्रेस्क्राइब स्टे इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी, उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी पे भेजा गया है और वो बच्चे किसका कंप्लीट कर चुके हैं एज को, तो उनको किस तरीके से आगे डीलिंग करा जाएगा उसके रिगार्डिंग बात करता है। फिर आपके ये सारे के सारे सेक्शन दे रखे 21 से लेके आगे के 26 के रिगार्डिंग, मतलब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिमूव करने का, स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे पेंडिंग केसेस के रिगार्डिंग, घर से भागे हुए कोई भी बच्चे हैं तो उनके रिगार्डिंग, या फिर वहाँ से ही भाग गए हो तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन वहाँ दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो बच्चे आ जाएंगे जिन बच्चों को
ज़रूरत हो केयर और प्रोटेक्शन की, उनके रिगार्डिंग आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पे ये रही, उसके अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो और चैप्टर नंबर 6 दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, जो सेक्शन 27 से 30 और 31 से लेकर 38 तक, ये आपके एक साथ सारे सेक्शन पढ़ने के हैं। उनके अंदर भी आपकी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरीके से उसके सामने प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी मैंडेटरी, ऑफेंस जिनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती, पेनल्टी रिगार्डिंग आपकी बात कर रहा है कि जिनकी आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो उसके क्या ऑफेंस माने जाएंगे, उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी, बच्चे को सरेंडर करने वाला जैसे आपको बताया था मैंने 16th नंबर आपके जो 60 नंबर जो क्लोज था उसके अंदर आपकी चीज़ें बता रखी है कि क्या कैसे एक बच्चे को समझोगे कि वो सरेंडर है, उसकी इंक्वायरी कैसे होगी, तो उसके रिगार्डिंग आपके प्रोसीजर की बात करता है। उसके बाद आपके दो चैप्टर आते हैं 7th और 8th, ये भी दोनों साथ में पढ़ने पड़ते हैं। जो 7th चैप्टर हैं वो आपका बात करता है किसी बच्चे को रिहैबिलिटेट करने की, उसको रीइंटीग्रेट करने की सोसाइटी में, फोस्टर केयर में भेजेंगे, ओपन शेल्टर में भेज देंगे, पेनल्टी लगेगी अगर उसको इंस्टीट्यूशन को आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होते तो, इस तरीके के प्रोविजन दे रखें कि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम होगा या फिर स्पेशल होम कुछ बनाए जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद 8th नंबर चैप्टर आपका है वो भी आपका इसी के रिगार्डिंग बात करता है, एडॉप्शन के अंदर बात आ जाती है, तो वो आपका सेक्शन नंबर 56-73 के बीच में डिस्कस किया गया है। तो किस तरीके से मतलब वो उसको डिक्लेयर करेंगे, किस तरीके से उसकी पावर्स होंगे अथॉरिटी की, कौन सी वहाँ पे कमेटी बैठेगी, स्टेट की अलग होती है, एक सेंट्रल की अलग होती है, तो उनके रिगार्डिंग प्रोविज़न दे रखे हैं, ये यहाँ पे दे रखे हैं। सेंट्रल वाली है उसी के अंडर में बीच में आ जाती है आपकी एक स्टीयरिंग कमेटी आ जाती है, उसकी किस तरीके से पावर्स होंगे, कौन से उसको अथॉरिटी दी गई है, एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, ये सब यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं। अब चैप्टर नंबर 9 में है, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करता है कि विक्टिम बच्चा, जो बच्चा जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है उसकी बात अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोई ऐसा बच्चा जिसके खिलाफ ऑफेंस हो रखा हो तो वो आपके 74 से लेके सेक्शन नंबर 89 तक डील किए गए हैं, तो उनके अंदर ही ये सारी चीज़ें बता रखी है कि कौन सा बच्चा होगा जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ, तो क्या जिस ऑफेंडर ने, जिस पर्सन ने, मतलब अपन एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट ने जो भी ऑफेंस कर दिया तो उनको किस तरीके से सजा मिलेगी, उनको क्या किस तरीके से ऑफेंस किए जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग 86 नंबर आपका जो सेक्शन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बोला गया कि कई तरीके के ऑफेंस होते हैं जहाँ पे हीनियस ऑफेंस करता हो कोई, सीरियस हो या फिर कोई पैटी ऑफेंसेस करता हो, जिनके अंदर मतलब कि जिसको 3 साल से कम की सज़ा मिले, जिसको 3 से लेके 7 साल तक की सज़ा मिले, और तीसरा आपका 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिले, तो कौन से ऑफेंस यहाँ पे बेलेबल होंगे, कौन से नॉन बेलेबल हैं, कौन से कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो सारे। और जो लास्ट आपका सेक्शन है, जो चैप्टर आपका आता है वो आपका आता है चैप्टर नंबर 10, जो कि मिसलेनियस की बात करता है। मिसलेनियस के अंदर हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला है सारे की सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, पूरे अलग जो आपके सारे चैप्टर ऊपर वाले हैं सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, 90 से लेके उसके बाद सेक्शन आपके 112 तक, लास्ट क्लास तक आपकी बात करता है, तो सारे के सारे सेक्शन उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अगर जनरली ऑफेंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3 तरीके के ऑफेंसेस एक्ट के अंदर होते हैं, या तो कोई पेटी ऑफेंस होगा, या फिर आपका कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा, या फिर वो आपका हीनियस नेचर का ऑफेंस होगा। हीनियस ऑफेंस की जब भी बात करते हो तो उसका मतलब सज़ा है आपकी 7 साल से ज़्यादा की है, क्योंकि सबसे हीनियस है। सीरियस उससे थोड़ा कम है, जिसके अंदर 3 साल से 7 की बात करता है। और जो पेटी ऑफेंस मतलब नॉर्मल नेचर के हैं, जिनके अंदर 3 साल से कम की या फिर 3 साल तक की जहाँ सजा दी जाती है उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जब भी डिस्कशन करा जाएगा डिटेल के अंदर, मतलब सेक्शन 2 के अंदर सारे डेफिनेशन दे रखे हैं वो, और प्लस उनको मेन उनके जो सेक्शन उनके साथ डील करेंगे, तब आपको मैं अलग वीडियो के अंदर पूरा प्रॉपर प्रोवाइड करवाऊंगा। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर था, आज के लिए इतना ही। अलग वीडियो बनेगी अगली, उसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और किस तरीके से ये आपका जो एक्ट है वो कमेंसमेंट में आया और इसका मेन पर्पज़ क्या है, वो अलग अलग वीडियो के अंदर फर्दर मैं यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवाता रहूँगा। वीडियो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करनी है, और वीडियो को सेव करके रखना है, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे मतलब उसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये बेरक बेस्ड इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको यहाँ पर रिवीजन कर सको बिना बेरक के, जैसे नाइट टाइम पे आपके ईयरफोन सामने रखे हो, आपने साथ में कान में लगाने हैं और सिंपली सुनते जाना, क्योंकि बेरक आपके सामने है और बोल के मैं आपको एक्सप्लेन करता ही रहूँगा। तो ये आपका टाइम सेविंग के लिए पर्पज़ है, यहाँ पे मैं आपको बेरक बेस्ड चीज़ें करवाता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।